तो लगभग मैंने बहुत सारा वीडियो डाल के रखा है वीरम सेक्शन का शॉर्ट के ऊपर, फिर भी पता नहीं, ना जाने क्यों पूछते हैं वीरम सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाओ शॉर्ट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा अगर टाइम वेस्ट करता, मतलब टाइम निकाल लेता तो मिल जाता। तो फिर भी ये वीडियो बनाने का और एक मकसद है, क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने दिखाया था, मतलब 110 का वीडियो होगा मे बी। तो जितने बार टीका दे रहा हूँ ऑन हो के ही ऑफ हो रहा है, पर नेक्स्ट टाइम और दोबारा रीस्टार्ट या फिर ऑन नहीं हो रहा है अपने आप से। तो वो एक तरह का केस स्टडी है। उस केस में मैंने कहा था वीरम सेक्शन में अगर शॉर्ट होगा तो क्या होगा, तो उसी के लिए बेसिकली बना रहा हूँ। वैसे तो और कोई मकसद नहीं है, तो देख लो आप भी थोड़ा सा, जान लो। जो लोग हर वक्त वीरम सेक्शन का वीडियो मांगते हो, वीरम सेक्शन शॉर्ट रिलेटेड, देखो शॉर्ट और डेड क्या होता है ये मैं पहले बता दूँ। मदरबोर्ड अगर वीरम सेक्शन में 4 पिन डालने के बाद बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो उसको हम शॉर्ट ही बोलते हैं, डेड नहीं बोलते। हटाने से फिर डिस्चार्ज करने के बाद अगर बोर्ड चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बोर्ड शॉर्ट है वीरम सेक्शन में। और डेट क्या है, वीरम सेक्शन डालने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, डाल के भी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब बोर्ड में टोटल पावर ही नहीं है, ये हो गया डेड। तो लैपटॉप में भी ऐसा होता है, 19 वोल्ट सेक्शन में अगर शॉर्ट आता है तो भी लैपटॉप ऑन नहीं होता है, तो उसको हम डेड बोल देते हैं, पर वो डेड नहीं है, शॉर्ट होता है। पर बेसिकली हमारा जो लैंग्वेज है उसमें डेड ही बोला जाता है। तो लैपटॉप कैसे डेड होता है, अगर कोई शॉर्ट भी नहीं है और ऑन भी नहीं हो रहा तो उसे, ऑन भी नहीं हो रहा तो उसे हम डेड बोलते हैं। तो अभी देखो ये है बोर्ड, इसका मॉडल नंबर क्या है बाद में दिखाते हैं, वो मैटर नहीं करता। पावर दिया, बोर्ड ऑन हो गया हमारा। अभी वीरम सेक्शन में क्या है, कहां पर शॉर्ट है, अभी मैंने भी नहीं देखा, मुझे बस कहा गया कि शॉर्ट है, ऑफ कर दिया। डिबग कार्ड को फॉलो कर लेना थोड़ा सा, फिर से पावर डाला, अभी वीरम सेक्शन का पावर डाला। तो इसी के ऊपर बहुत सारा टेलीग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट नहीं, बहुत सारा लोगों ने टेक्स्ट छोड़ के रखा है। अभी ये वीडियो अगर उन तक मिल जाए तो सबको मैं लिंक फॉरवर्ड नहीं कर सकता, अगर देखेगा तो ऑब्वियसली सीख जाएगा, अपने आप केस बना लेगा, अपना बोर्ड फिक्स कर लेगा अपने आप। तो देखो ये देखो, फिर से डाला, पावर दिया। अभी आप एक चीज़ फॉलो करो, यही पर बस फंडा है सारा बोर्ड में, यही बस फॉलो करना होता है। जो जो काम सीख रहे हो, जो एक्सपर्ट है उनको पता है, तो यही बस फंडा है। देखो फॉलो करो थोड़ा सा, टिकर दिया, एक बार ऑन हुआ, दोबारा ना तो रीस्टार्ट होगा ना तो टिकर करने से दोबारा ये ऑन होगा, टिकर जितने भी कर लो ऑन नहीं होगा। वापस इसको सारा कनेक्शन कनेक्टर जो है हटा दो, ये वाला सब हटा दो, SMPS को ऑफ करो, SMPS डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस देके अगर आप डिस्चार्ज करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव को, येलो और ब्लैक को अगर आप डिस्चार्ज करते हो, उसके बाद फिर से डालोगे तो फिर से एक बार ऐसे छोटा मोटा ऑन होके ऑफ हो जाएगा, बस इसको कहते हैं वीरम सेक्शन में शॉर्ट। अभी देखो फिर से मैं हटा दिया तो ये टिकर दूंगा, नहीं लेगा। अभी फिर से SMPS को फुल्ली ऑफ करना होगा, पूरा पावर जाएगा, और यहाँ का जो बोर्ड है ये एक बार डिस्चार्ज करना होगा। ये डिस्चार्ज कर दिया, क्रॉस डिस्चार्ज कर लेना एक बार, 5 सेकंड तक तो करना ही होता है मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हो, 5 घंटे तक भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर 5 सेकंड तो रखना है आपको। फिर से पार दिया और फिर से बोर्ड चालू हो गया। अभी क्या है, ऐसे अगर मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ ये CPU पावर, तो ये ऑफ तो हो जाएगा बोर्ड, पर इसमें रिस्क होता है थोड़ा सा। क्या रिस्क है, ऐसा केस में अगर आप हाईली एम्पेयर का कोई SMPS यूज़ कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया, तो ऐसे डायरेक्टली मत डाला करो, डायरेक्टली डालोगे तो कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसे ऑफ करके आराम से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से एक बार डालो। डाल दिया, अभी SMPS ऑफ है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये डिबग कार्ड होता तो आसान हो जाता। ये देखो अभी भी पावर रहेगा इसमें, देखो नहीं पावर नहीं है, चला गया। फिर से पावर देते, अभी देखो PSON हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया, PSON हमारा जनरेट हो गया। अभी फॉलो करो थोड़ा सा,
ये देखो एक ही बार चला थोड़ा सा, सीपीयू फैन स्पिन एंड ऑफ, उस वीडियो में भी था सीपीयू फैन स्पिन देन ऑफ, सीपीयू फैन स्पिन एंड ऑफ, पर दोबारा टिकर दे रहा था तो भी ले रहा था, फिर सीपीयू फैन स्पिन देन ऑफ। पर इस बार हमें क्या मिला, एक ही बार सीपीयू फैन स्पिन हुआ, थोड़ा सा लाइट आया एलईडी पे, काट के पोस्ट काट के एलईडी पे थोड़ा सा लाइट आया, उसके बाद ये टिगर नहीं ले रहा है। यही होता है वीआरएम सेक्शन रिलेटेड शॉट, यही कंडीशन अगर रहे तो आप समझ जाओ आपका वीआरएम सेक्शन में ही शॉट है। अब क्या शॉट है वो अलग बात है, कैपेसिटर हो सकता है, मॉस्फेट हो सकता है, पोलराइज कैपेसिटर हो सकता है, कॉयल हो सकता है, कोर आईसी खराब हो सकता है, सीपीयू खराब हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी खराब हो सकता है इस पार्ट में आपका बोर्ड में, ये 20 के इस पार से लेके इस तक यहाँ इतने तक, मतलब मान के चलो इतने तक में कुछ भी खराब हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ये नहीं कि मॉस्फेट ही खराब होगा, हर बार मॉस्फेट ही खराब होगा ये नहीं है, बहुत सारा बोर्ड, ये छोटा छोटा कैपेसिटर भी खराब हो जाता है। ये देखो एसएमडी में जो छोटा वाला कैपेसिटर दिख रहा हो यहाँ पर, ये देखो ये कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो जाता है, मतलब नियर बाय वीआरएम सेक्शन। तो हर बार ये नहीं कि मॉस्फेट, तो इस बोर्ड में क्या शॉर्ट है चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आप टिगर दे रहे हो बार बार ही ऑन हो रहा है और ऑन होकर ऑफ हो रहा है तो आप वीआरएम सेक्शन में कुछ मत करो, वीआरएम सेक्शन में शॉर्ट होगा तो एक ही बार बोर्ड थोड़ा सा चलेगा और बोर्ड ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड टाइम आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा अगर सच में ही शॉर्ट है तो। अगर शॉर्ट नहीं है तो वो बात अलग है। अब सीपीयू को हम हटा देते हैं, सीपीयू को हटा देते हैं, बोर्ड को ऐसे ले लेते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बाजार मोड पे मल्टीमीटर को सेट किया है, मतलब कंटिन्यूटी मोड पे, ठीक है। तो मल्टीमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप बीप का आवाज़ सुनो, साउंड सुनो, वही काम आएगा। तो ये बाबूराव गणपत राव आप रेडी है। तो अभी देखो एक एक करके चेक करो, पहले फर्स्ट फिट को चेक कर लो, ओनली फॉर गेट और सोर्स को चेक करना है, ठीक है। गेट और सोर्स आप ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू गेट भी कर सकते हो, शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर शॉर्ट कहाँ पर है? तो कहीं पर भी शॉर्ट नहीं लग रहा है, शॉर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड डैमेज है, यहाँ पर देख सकते हो, हाँ कैमरा में तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पर कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट नहीं है, क्या हुआ भाई, कहीं पर भी शॉर्ट नहीं मिल रहा है, हाँ शॉर्ट लग रहा है, नहीं शॉर्ट नहीं है, पर ये है कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, ये खराब है, कहीं पर भी शॉर्ट नहीं लग रहा है। अभी देखो ये केस क्रिटिकल बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, शॉर्ट नहीं है, कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है, क्या करें, शॉर्ट तो कहीं पर भी नहीं है, पर कुछ अलग लोचा है क्या, एक सेकेंड, आयो में बहुत रस्ट है, दिख रहा है, पर बेसिकली ऐसे आयो शॉर्ट होने से बोर्ड ऑन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है,
नहीं ये शॉर्ट तो कहीं पर नहीं मिल रहा है बोर्ड में, पर क्या करें, इसीलिए पहले ट्रेस आउट करना चाहिए था फिर वीडियो बनाना चाहिए था। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, तो अभी इसमें वीडियो धीरे धीरे लॉन्ग होते जाएगा, इसलिए मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि हाँ यही प्रॉब्लम है, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मुझे भी आसान होता है, वीडियो भी शॉर्ट होता है और जो देखता है वो समझता भी अच्छा है। और अभी डायरेक्टली ये कहाँ पर शॉर्ट है ऐसे मुझे भी ढूंढना हो रहा है, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा लोग बोरिंग हो जाता है। अभी पॉज करूँगा तो सोचेगा कुछ अलग मसला है, इसीलिए मैं वीडियो बोल के पॉज करता हूँ कभी भी, और करना नहीं भी चाहिए। आप कुछ सिखा रहे हो तो सच में दिखा रहे हो, तो सच में जितना हो सके सच में दिखाओ, ताकि कुछ गलत छलत दिखा दिया और लोग आपसे डीमोटिवेट हो जाएगा, एक दिन आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। अगर आप उल्टा सीधा कुछ वीडियो में कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका, ये चिप लेवल का नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो देखो बेसिकली मुझे शॉर्ट इसमें नहीं मिल रहा। तो इसका बहुत सारा तरीका है शॉर्ट निकालने की। तो सीपीयू को पहले एक बार रिमूव करके बोर्ड को एक बार टिगर देके देखना है वीएरएम सेक्शन में वाकई शॉर्ट है कि नहीं। तो होल्ड ऑन, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, बिना सीपीयू के ये ऑन नहीं होगा, कैसे भी एक मेरे पास है सीपीयू बहुत सारा। तो ये एफएक्स का सीपीयू था मे बी, एक सेकेंड, हाँ एफएक्स का सीपीयू था। ये देखो खराब भी हो सकता है सीपीयू, नहीं वीएरएम सेक्शन में ही शॉर्ट है, सीपीयू इसका खराब नहीं है, सीपीयू खराब नहीं है, वीएरएम सेक्शन में ही शॉर्ट है। तो मल्टीमीटर को फिर से हम बाजार मोड पे लिया और देखो यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। रीडिंग आके ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। चलो इसको अलग तरीके से निकालना है शॉर्ट को, देखते डीसी अप्लाई करते, वेट करो। तो डीसी मैंने 12 वोल्ट पे सेट किया है, एम्पियर 3-4 रखा है, कितना रखा है देखा नहीं, पर क्या है मैंने कहा था जब भी डीसी अप्लाई कर रहे हो वीएरएम सेक्शन में तो क्या चाहिए, ये वाला प्रोटेक्शन आपको चाहिए। कुछ भी हो जाए आग को सेव करना है, ठीक है। बॉडी में कुछ लगेगा तो आप बच जाओगे, पर आँख में लगेगा आँख चला जाएगा, 10 लाख 20 लाख 30 लाख का मतलब नुकसान हो जाएगा आपका, और आपका आँख रेडी हो भी नहीं सकता। आँख कॉर्निया अगर ना मिले, आँख अगर ना मिले तो एक आँख में ही काम करना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो हर वक्त अपना प्रोटेक्शन खुद करो। तो इसमें ये हो गया हमारा डीसी, अभी सीसी ओसीपी मोड पे है ओवर करंट प्रोटेक्शन, तो सीसी मोड पे रखना पड़ेगा कांस्टेंट करंट। तो कांस्टेंट करंट पे हम जब लाएंगे इसको तो सबसे पहले एक को ग्राउंड देंगे, ब्लैक को ग्राउंड देते हैं, ये ग्राउंड दे दिया। अभी किसी एक ट्विजर लेना है आपको बस ऐसे, और एक सेकेंड यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रॉप आ गया, तो वीडियो बने प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में थोड़ा सा। तो अभी लिक्विड भी लेना है, और पॉजिटिव किधर है पता है ना, पॉजिटिव जो होता है यहाँ पर एक डॉट टाइप का होता है, नॉब टाइप का, उस साइड में दोनों पिन पॉजिटिव, मतलब येलो पिन जाता है वहाँ पर, येलो वायर मतलब दो पॉजिटिव है। तो अभी देखो 12 वोल्ट पे है, डाल रहा हूँ, ठीक है, डाल दिया। अभी 8 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 8 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो थोड़ा सा कम करना होगा, तो थोड़ा सा कम। तो अभी देखे एक बार देखता हूँ कितना लेता है,
तो अभी 5 एम्पेयर कंज्यूम करे, ये देखो 12 वोल्ट है, अभी पॉजिटिव पे मैं डाल रहा हूँ, कितना ले रहा है देखो, ये देखो 5 एम्पेयर ले लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, सामने देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले वीडियो में मैंने दिखा के रखा है, तो ये बस काम के लिए कर रहा हूँ। तो ये डाला और देखते कोई भी मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट है कि नहीं। कौन सा जल्दी से एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा वाला ये वाला हाँ ये वाला एब्जॉर्ब हो रहा है जल्दी से। ठीक है, देखो आप फॉलो करो, समझ जाओगे ये वाला। तो फिर से डाल रहा हूँ, देखो ये देखो मुझे तो क्लियर दिख रहा है, ये देखो बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर सारा हीट हो रहा है लगभग, तो मतलब इस सीरीज में एक ना एक शॉर्ट है, पर मॉस्फेट लीकेज है। लीकेज होता है तो बहुत झंझट होता है, मल्टीमीटर में नहीं आता है, तो लीकेज का यही प्रोसीक्योर है कि आप डीसी से इसको रिमूव करो फिर काम करो। तो ज़्यादा कौन सा हो रहा है, ये वाला ज़्यादा मुझे मिला, सॉरी ये वाला ज़्यादा मिला। ठीक है, ये वाला मतलब 2 के बाद 3 नंबर। चलो इसको पहले हटाते हैं, देखते हैं इसका शॉर्ट रिमूव होता है कि नहीं। तो इसको पहले हटा देता हूँ, कौन सा था ये, 3 नंबर वाला ना। हाँ अभी ट्वीज़र किधर है, ये वाला क्या हुआ भाई, एयर कम हो गया थोड़ा सा, चलो हो गया। अब ये मल्टीमीटर में चेक करने से पता नहीं चलेगा ये शॉर्ट, क्योंकि ये लीकेज है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे देखेंगे कि इसका गेट और सोर्स में कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं, नहीं है। तो फिर से दोबारा एक बार हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे और भी मॉस्फेट शॉर्ट है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, फिर से ट्वीज़र, हाँ अभी भी शॉर्ट है, पर है तो है, कौन सा मॉस्फेट शॉर्ट है, यहाँ पर कोई भी मल्टीमीटर में शो नहीं कर रहा है। फिर से एक बार हम टेस्ट आउट करेंगे इसको, फिर से एक बार टेस्ट आउट करेंगे।
नहीं है। अच्छा चलो, यही फास्ट फिट को एक बार रिमूव करते हैं। दिख नहीं रहा है ना? हाँ सॉरी। एक भी मल्टीमीटर पे आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये फास्ट फेट है, इधर रखता हूँ इसको साइड में, और ऐसे और एक बार देख लेता हूँ शॉर्ट टाइम में कि ये शॉर्ट हटा कि नहीं। नहीं हटा। तो ये फर्स्ट फिट जितना है सारा मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, शॉर्ट तो इसका फर्स्ट फिट में ही है। दो निकाल दिया, फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। अभी भी है शॉट, अभी भी है। तीन निकाल दिया, और एक निकाल देता हूँ लास्ट वाला। मतलब फास्ट फिट जितना था सारा मैंने रिमूव कर दिया। अभी फिर से एक बार देखता हूँ कि इसका फास्ट फिट में शॉर्ट था कि नहीं, क्योंकि शॉर्टिंग तो आ नहीं रहा था। शॉर्टिंग अगर आ जाता तो ठीक है, शॉर्टिंग अगर आ नहीं रहा है तो क्या करोगे? लीकेज है, कोई ना कोई मॉस्फेट लीकेज है। ठीक है, लीकेज मल्टीमीटर में आता नहीं है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है, हाँ चला गया, शॉर्ट चला गया। तो एक सेकंड में इसको रख देता हूँ पहले। तो देखो कौन सा था लास्ट, दो एंड में जो दो मैंने निकाला उनमें से एक लीकेज है मॉस्फेट। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, जो सीख रहे हो उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जिनको पता है वो तो पहले वीडियो छोड़ देगा दो मिनट के अंदर, या फिर काट कुट के सारा ख़त्म कर देगा। तो अभी देखो एक चीज़ देख लो, जो पहले हम 5 एम्पियर ले रहा था फुल्ली, जो कि मैंने 5 एम्पियर पे सेट किया था डीसी को। अभी देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ, दोनों साइड से देखो, ये मैंने दबा दिया और यहाँ पर देखो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ये हटा दिया, देखो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, दबा दे रहा हूँ तो भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ये देखो दे के रखा है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो हमें शॉर्ट कहाँ पर मिला है, कहाँ पर मिला एग्जैक्ट पता नहीं, पर ये दोनों निकालने के बाद भी शॉर्ट था, और ये दोनों जब मैंने एक ही साथ निकाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से एक शॉर्ट है। तब दोनों में से कौन सा शॉर्ट है वो नहीं पता मुझे, पर सेकेंड जो फेट था वो सही था, सेकेंड फेट सही था, ये हमारा सेकेंड फेट है। तो एक काम करता हूँ मैं, 1 2 3, अभी सारा उल्टा सीधा हो गया, ये यहाँ पर मैंने रखा था, ये देखो अभी इसको मैं चेक करूंगा तो नहीं आएगा, फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार। अगर फिर भी रिमूव होने के बाद, बोर्ड से रिमूव, पीसीबी से हटने के बाद अगर कुछ मिले
तो अलग बात है। तो एक एक करके चेक करता हूँ मैं, पहले इन चैनल है तो ड्रेन पे ब्लैक प्रॉप जाएगा, ठीक है। ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो सही है, ये वाला सही है, ये फास्ट फेट है, ये वाला सही है। और ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है। तो मतलब ये दो सही है, बाकी दो में प्रॉब्लम है। तो चलो ये कहाँ गया, ये दो सही नहीं है, सही नहीं है ना। हाँ सही नहीं है, इधर रखता हूँ। और ये जो हमारा सेकंड फेट था, ये सेकंड फेट है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिट को यहाँ पर लगाऊंगा, और ये फर्स्ट फिट लगाऊंगा, और ये दो सेकेंड फिट और फर्स्ट फिट जो है वो दोनों पे लगा के, दो फर्स्ट फिट में ढूंढ के स्क्रैप बोर्ड से लगाने के बाद मैं वीडियो फिर प्ले करूंगा, ठीक है। तो अभी पॉज कर रहा हूँ। तो अभी देखो ये कहाँ गया भाई। तो अभी जो है फिलहाल ये मैंने एक सेकेंड फिट रिमूव किया था, ये वाला इसको लगा दिया, और अभी क्लीन नहीं किया, क्लीन कर देता हूँ बाद में। ये फर्स्ट फिट में एक रिमूव किया था, ये दोनों लगाया, दो बाकी जो लास्ट में था वहाँ पर है ये वाला, ये अभी लगाया रही, ये दो लीकेज है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में हम एक बार देखेंगे कि ये दो मॉस्फेट भी सही है या नहीं है, क्योंकि मल्टीमीटर में चेक करने से तो सही लगा, पर कभी कभार धोखा दे देता है। तो देता हूँ, हाँ नहीं शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है शॉर्टिंग का। तो अभी दो मॉस्फेट बस लगाया, ठीक है। तो ये बाकी दो रहेगा, अभी बोट को एक बार ऑन करेंगे ऐसे ही, अभी देखेंगे VRM सेक्शन में हमारा जो शॉर्ट था वो रिलीज़ हुआ कि नहीं। अगर ऑन हो जाता है तो वीडियो हम एंड कर देंगे, उसके बाद दो मॉस्फेट लगा देंगे। उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, वीडियो एंड करूँगा इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत लॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी वीडियो, 28 मिनट हो चुका है। ये देखो मल्टीटी कंटिन्यूटी मोड पे रखो, और जो दो मॉस्फेट शॉर्ट निकाला मैंने, जो शॉर्ट हमें लगा वो दो मॉस्फेट का गेट और सोर्स पे, गेट और सोर्स पे ये कंटिन्यूटी मिल रहा है, यहाँ पर मिलता है इस बोर्ड में, पर ये वाला पे मिलेगा ऑलवेज, पर ये वाला एक सेकेंड ये वाला पे नहीं मिल रहा है। तो मे बी ये वाला या फिर दोनों में से कोई भी शॉर्ट हो सकता है, ऐसे पर्टिकुलर कहाँ नहीं जा सकता है। मल्टीमीटर में डायरेक्टली बीप नहीं करेगा ड्रेन टू गेट, ड्रेन टू सोर्स। तो चलो ये दोनों को रखते हैं, एक बार मैं ऑन करूँगा, देखता हूँ। इसका GFX का मामला है तो फिर भी डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि 81 सीरीज़ में क्या होता है गीगाबाइट का, ऑलवेज ये वाला सेकेंड वाला जो मॉस्फेट होता है, फर्स्ट मॉस्फेट का सेकेंड वाला जो पार्ट होता है, वो ऑलवेज आपको गेट और सोर्स शॉर्ट मिलेगा, वो सोर्स ग्राउंडेड है, ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट मिलता है, पर वो शॉर्ट नहीं होता है। अक्सर ये गलती करते हैं बहुत सारा लोग, कि सोचता है वही शॉर्ट है, तो ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल के रखा है, क्लियर केस स्टडी बना के रखा है, कोई देखेगा तो देख लेगा। तो चलो एक बार फिर से मैं इस बोर्ड को ऑन करके देखता हूँ, बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। ओके पावर दिया, अभी दो मॉस्फेट ऑलरेडी ओपन है, लगाया नहीं, तो मैं बस पावर दूंगा बोर्ड में। क्या हुआ,
होल्ड ऑन। ट्वीज़र खराब है क्या? क्या हुआ, बोर्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, कभी कभार ये डिस्टर्ब कर देता है। पावर ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड अभी, ठीक है। तो एक बार SMPS को देख लेता हूँ। SMPS हमारा सही है, पर बोर्ड में पावर ऑन नहीं हो रहा है अभी भी। क्या हुआ है भाई? एक सेकेंड, ये वाला कार्ड लगाता हूँ, इसका PSON है। हाँ, PSON तो जनरेट है, पर ऑन नहीं हो रहा है। अभी ऑन नहीं हो रहा है। ऑन क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, होल्ड ऑन। सो देखो, वीडियो 10 मिनट्स पॉज था। तो आप भी जब भी कभी काम करो तो थोड़ा सा आँख कान खुला रखो, और थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे भी हो जाता है कभी कभार, और ज़्यादा होता है जब वीडियो बनाने जाता हूँ। तो देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये बोर्ड टिगर नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर जब मैंने MOSFET निकाला तो छोटा सा एक शोल्डर यहाँ पर आया पे जाके चिपका हुआ था, इतना छोटा था वो, कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। तो मेरा 20 मिनट वेस्ट हुआ, अभी वीडियो पॉज करके रखा था। तो मैंने पूरा बोर्ड को माइक्रो पे देखा क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ पर ही कुछ लगा। उसे हटाया ट्वीज़र से, फिर ऑन किया। अभी देखो बोर्ड टिगल ले रहा है। अभी VRM सेक्शन मैंने डाला नहीं, तो दो MOSFET हमने लगा के रखा है, देख सकते हो। फर्स्ट फिट का दो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और सेकंड फिट का ये थर्ड वाला जो MOSFET चेंज करके रखा है। तो अभी बोर्ड तो टिगर ही नहीं ले रहा था, तो अभी बस देखना है हमें टिगर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। टिगर मैंने देखा है, तो आपको भी दिखा देता हूँ, पर VRM सेक्शन अभी तक डाला नहीं, ठीक है। तो ये देखो टिगर ले लिया। अभी पहला जो कंडीशन था विदाउट VRM का, वही कंडीशन पे बोर्ड आ गया। CPU हमारा वही लगा हुआ है FX का, जो कस्टमर का था। अभी VRM सेक्शन में भी फॉल्ट नहीं है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं इसका कुछ कोड बोर्ड हो जनरेट होता है या फिर 00 होता है। अगर 00 होता है और बोर्ड ऑन हो जाता है तो हम ये दो MOSFET को लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है मे बी इसका ग्राफिक्स की वजह से ना आए। तो देख लेते पहले एक बार, ट्रिगर दे रहा हूँ। नहीं लिया, शॉर्ट हट गया, शॉर्ट हट गया। कोई कोड 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 नहीं है। CPU, हाँ CPU हीट हो रहा है। एक सेकेंड, अभी देखो VRM सेक्शन डाला हुआ है, दो MOSFET मिसिंग है, अभी भी लगाया नहीं। मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, लगाने जाऊंगा तो वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी क्या है, कोड जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर हो तो आप थोड़ा सा लिक्विड डालो, स्लॉट को थोड़ा सा क्लीन कर लो, ठीक है। क्योंकि ये स्लॉट, ये बहुत, मतलब बहुत दिन का बोर्ड है ये, मतलब लगभग 10 साल हो गया इसका एज। तो फिर से एक बार पावर डालेंगे तो दिया, हाँ हो गया, सॉल्व हो गया। तो मैंने कहा था स्लॉट में इशू था, E5 मतलब रैम का एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो MOSFET लगाना है, ऐसे अगर आ गया तो खुशी मत हो, दो MOSFET लगा के ही फिर बोर्ड को डिलीवरी करो, ठीक है। ऐसे VRM सेक्शन में बहुत प्रेशर आ जाता है, दो प्राइमरी फेट अगर मिसिंग हो जाता है तो ये स्विचिंग में प्रॉब्लम करता है। तो इसके ऊपर एक क्लियर वीडियो बनाऊंगा, कैसे स्विच होता है MOSFET ऑन बोर्ड पे, ठीक है। तो
बनाएंगे वीडियो, तो जो देखो अभी ये डिस्प्ले वो आउट कर देगा, तो फिर से ये कोड क्यों नहीं ले रहा है। अच्छा ये स्लॉट में कुछ इशू है, ठीक है स्लॉट में इशू है, तो मैं एक बार कीबोर्ड पे देख लेता हूँ, और फैन लगाना पड़ेगा, फैन लगाना पड़ेगा नहीं तो सीपीयू ये हीट हो रहा है। कीबोर्ड पे देखता हूँ, अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो हमारा सब्जेक्ट वो नहीं था, हमारा सब्जेक्ट वीरम सेक्शन शॉर्ट रिलेटेड था, अभी भी आया नहीं। एक बार मैं इसको क्लीन करूँगा, इसे डालूँगा, फिर से पावर दूँगा और ट्रिगर, तो डिबग कार्ड में कोड जेनरेट हो नहीं रहा है, पर होना चाहिए। तो मेन जो सब्जेक्ट था वीरम सेक्शन का शॉर्टिंग, वो उसके ऊपर वीडियो था, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, तो हमारा शॉर्ट हट गया है। कोड भी जेनरेट हुआ था डी रैम का, मतलब रैम का एरर वाला। तो ये कार्ड एक बार लगाते हैं, कितना मिनट, बहुत लॉन्ग हो गया, 36 मिनट हो गए ये वीडियो। अभी तो इसका सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है मे बी ये दो मॉस्फेट लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो एक ये एफएक्स का सीपीयू है, अभी ढूंढना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट मत करेंगे। तो देखो बोर्ड में जो प्रॉब्लम था, मैंने जो दिखाना चाहा वीरम सेक्शन में शॉर्ट रिलेटेड, और किस तरह से ऑन होकर ऑफ हो जाता है, यही हमारा सब्जेक्ट था। तो वीडियो बस इतना ही रखता हूँ, इससे लॉन्ग नहीं करेंगे। तो बोर्ड तो फिक्स हो गया, पर थोड़ा सा डिस्प्ले भी देख लेते तो सबको अच्छा लगता, पर डिस्प्ले वाला तो केस नहीं था ये शॉर्ट रिमूव वाला केस था। तो ये सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा है मे बी, ये ऐसा ही होता है एएमडी का बोर्ड में। तो ये जो अभी एलईडी बिलिंग कर रहा है, ये सीपीयू ना सपोर्ट होने का ही कर रहा है। एक सेकेंड पॉज करता हूँ, मेरे पास एफएक्स का सीपीयू मिलेगा। तो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास जो सीपीयू था वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो सीपीयू है अभी ये E5 पे आया है, इसका रैम नहीं ले रहा है। ये सीपीयू का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि वीरम सेक्शन में शॉर्ट था, इसलिए कभी कभार ले रहा है, कभी कभार ले नहीं रहा है। तो ये सीपीयू चेंज करने से फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग पे नहीं जाना है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। हाँ आया, तो ये डी रैम का एरर आ रहा है, ठीक है। रैम का इशू नहीं है, ये सीपीयू का इशू है, ठीक है। ये देखो अभी जो रैम का इशू एरर आ रहा है, और एक चीज़ जान लो, ये अभी 5E मतलब जो रैम का एरर है, अभी रैम का लोचा नहीं है इसमें, सीपीयू का ही लोचा है, ठीक है। ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आए, बार बार रैम चेंज कर रहे हो नहीं रहा है, तो आप समझ जाओ सीपीयू ख़राब है, क्योंकि प्रोसेसर ये जो वीरम सेक्शन में शॉर्ट हुआ है, इसके चक्कर में प्रोसेसर भी कुछ ख़राब हुआ है। और एएमडी में ऐसा मतलब 100% में 70% केस में ऐसा आ जाता है, कोड जनरेट होगा रैम का, रैम एरर आएगा, आप रैम चेंज करोगे फिर भी सॉल्व नहीं होगा, तो उस केस में आप सीपीयू को बदल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा भला भाषण अलग है। तो इसका जो सीपीयू था, इसमें रैम एरर आ रहा है, इसका सीपीयू भी ख़राब हो गया। बाकी बोर्ड का जो प्रॉब्लम था हमारा फिक्स हो गया वीरम सेक्शन में, ये दो मॉस्फेट बचा है वो लगा देता हूँ। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। जय हिंद।